हुआ सब जगह। हाँ ये पानी, नदी का पानी मशीन साफ कर रही है। हम लोगों ने एक प्लान बनाया कल सुबह शंकर जी के मंदिर जाने का, आई मीन टू से अयोध्या जाने का, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है। तो कल सुबह हम लोग जाएंगे, कल जाएंगे नागेश्वर अयोध्या में जो की है। तो अभी पिज्जा हाथ में आया और पिज्जा आया है तो पिज्जा खाएंगे, फिर मिलते हैं सुबह, ठीक है। हम तो खाते नहीं, लेकिन कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल कर लिए तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, वैसे खाऊंगा नहीं। बाकी तो बढ़िया, और सुबह मिलते हैं, चलो बाय, गुड नाइट, और मॉर्निंग शाम मिलते हैं। अभी सुबह का कुछ हो रहा है, 9:26 मिनट हो रहा है करीब। प्लानिंग था जाने का सुबह 5 बजे, तो 5 बजे मैं उठा, 5 बजे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मैंने अभी 2 घंटे घुमाए, अभी कहा यार 6:30 बजे चलो, तो बारिश हो रही थी, मैंने कहा बारिश में थोड़ी जा नहीं सकता, तो मैंने ठीक है 6:30 बजे चलेगा। 6:30 बजे, 6:30 बजे का प्लान था, फिर भी हम 6:30 बजे नहीं उठे, फिर उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा हवा तेज चल रहा था। अभी तो मौसम एकदम साफ है और थोड़ा जैसा दीघा देख रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ बारिश हुई है। तो भोलेनाथ का बुलावा था और जा रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं अयोध्या नागेश्वरनाथ, वहाँ पे जल चढ़ाएंगे। थोड़ा सा लेट हो गया यार, इतनी लेट में नहीं जाना चाहिए था, बट भीड़ बहुत ज्यादा हो गई वहाँ पे और ठंड भी लग रही है भाई। सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी से नहाओ, लेकिन मजा आया था नहा के सुबह। फ्यूल डलवाएंगे, महाशिवरात्रि आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, भोलेनाथ आपकी आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हो। वैसे मेरी इतनी ख्वाहिश नहीं है, बस जो भी है बस सुखी रखे, मेरे को खुश रखे, और इतना ये मेरे लिए काफी है। मुझे कुछ डिमांड नहीं है, चाहना नहीं है, मैं कभी कुछ मांगता हूँ भगवान से, बस यही मांगता हूँ कि मैं खुश रहूँ, मेरे परिवार खुश रहे और बाकी दुनिया में जितने जो भी है वो खुश रहे, बस मैं यही मांगता हूँ भगवान से। और आज हम लोग एक गलत चीज कर रहे हैं, जो कि ट्रिपलिंग करके बाइक पे जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे ट्रिपलिंग करना, बहुत रेयर में करता हूँ, ऐसे मैं कभी ले नहीं जाता। मैंने पहले ही दोस्त को फोन पे बोल रखा था भाई, 3 दिन से मैं ले गया हूँ, लेकिन कहा चलना है, चलना है, ठीक है ये चलो चलो भाई, सबको डांटा था मैंने, तो ब्लॉग कर दो, तो बोलते बहुत है यार। आज हम अपने बंदे नहीं लेके जा रहे, अपनी गाड़ी लेके जा रहे, स्पलेंडर लेके जा रहे हैं, और इसको चलाने में मजा आता है, बहुत यार आराम से चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, बंदे को थोड़ी भारी है बट ठीक है। मेरा भोला है भंडारी, करते नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे। मौसम करो थोड़ी चेंज, बिल्कुल धूप गायब हुआ है और अब ठंडी लग रही है भाई, बहुत तो ज्यादा ठंडी लग रही है। हम पहुंच चुके हैं अयोध्या में और पहुंचते हैं, चलो चलो पहुंचते हैं घाट पे, दिखाते हैं। खड़ी करके जाने पड़ेगी नीचे, क्योंकि गाड़ी सब खड़ी करनी पड़ रही है यहीं पे, पर हेलमेट यार क्या करूं, हेलमेट का भी चलो हेलमेट लेके जाते हैं, देखते हैं जो भी। सभी में यहाँ से लेंगे जल, जल लेके जाएंगे, हाँ यही सही है ना तांबे का, इसमें चलो ले लो, लो पकड़ो एक एक करके, एक मैं एक तू उठा ले, दे दो कोई। सो अभी हम लोग जा रहे हैं जल भरने के लिए, लोटा हमने तांबा के लिए, और आप भी जब भी जल कहीं पे भी चढ़ाओ तो ये डिसाइड करो कि स्टील का लोटा नहीं, तांबे का लोटा जिससे जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तांबे के पानी से जल चढ़ाते हैं भगवान को। As you can see, और ये मेरे है ना मोनू भाई, पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब यहाँ तक हम लोग आए ना, नहीं तो ये जगह पर ना इतनी ज़्यादा पानी भरी रहती है, मेरे लाइफ में पहली बार मैं इस जगह पर आया हूँ, बहुत ज़्यादा पानी सूख गया, ये देखो यहाँ तक आ गया, नहीं तो यहाँ तक नहीं, क्यों सीढ़ी से उतरते ही पानी मिल जाती थी, अभी पैदल चल के यहाँ तक आए, यहाँ से जल भरेंगे फिर जाएंगे चढ़ाएंगे। मतलब बहुत दूर है सीढ़ी से,
बहुत दूर है यार, बड़ा अजीब लग रहा है ना पहली बार देख के। अभी चले गए हम, चल भैया चल आ जा, बाल पूरे खराब हो चुके भाई हेलमेट पहनने के बाद, एडजस्ट कर लेना कैसे भी करके। योगी जी की जय, योगी जी पानी साफ कर रहे हैं, योगी योगी जी की जय। लगा हुआ है सब जगह, हाँ ये पानी नदी का पानी मशीन साफ कर रही है। नदी का पानी कौन साफ कर सकते, हाँ मानता हूँ गंदगी साफ करते हैं लेकिन पानी फिल्टर नहीं कर सकते वे। फिल्टर में पानी पागल। अभी चलते हैं, जल चढ़ाते हैं भोले बाबा को। अभी और भी चीजें लेंगे जैसे बेलपत्री हुआ और जो भी चढ़ता भगवान की, वो सारी चीजें लेंगे चढ़ाएंगे फिर दिखाएंगे। अभी चलो देखो, देखो कितनी आगे पानी, वहाँ पे बहुत दूर जाके पानी मिलेगा, नहीं तो इस जगह पे पानी भरी रहती थी। सुन लो भैया, छोटा सा धोखा हो गया कि जल तो हमने भर लिया और अपना स्लीपर मैंने वही छोड़ के वापस जा रहा था, ऊपर चढ़ के देखा तो पैर में स्लीपर ही नहीं है। अभी जा रहा हूँ वापस स्लीपर। अच्छा स्लीपर, स्लीपर भूल गया था भाई। जल सारे जन ने ले लिया है और जल में जो भी पड़ता है गन्ना बैर फूल भांग सारे चीज भैया ले लिए। हाँ यार धतूर नहीं दिया, तो सिवी की एक पत्ती होती है वो भी चाहिए थे, मिल गई हमें और धतूर भी मिल गया, तो सारा भी चढ़ाएंगे शंकर जी को मनाएंगे, मन्नत मांगेंगे आप लोग के लिए भी मांग लेंगे, तो चार मन्नत सबकी सारी विशेष पूरी हो जाए ठीक है। और बड़ा अच्छा लग रहा है यार, थोड़ा सा भीड़ भी है अभी वहाँ पे आगे चल के, बहुत भीड़ है और लाइन में लगना पड़ेगा मुझे लग रहा है कि बहुत तगड़ी सी भीड़ है भाई। अभी चलो आगे चलते हैं, हम दिखाते हैं। और अयोध्या में आया हूँ, व्लॉग कर रहा हूँ कुछ दिवाली के बाद ही आके कर रहा हूँ। क्या तेल? अरे छोड़ो बहुत है इतना यार तेल वगैरह, क्या जितना चढ़ाओगे उतना ही कम है भाई, बहुत सारी चीज चढ़ती है। वो नशे वाली चीजें भाई, नशे वाली चीजें नहीं, उनको जहर इतना पी लिए थे ना कि उनको ऐसे ठंडी चीजें चाहिए और शंकर जी अल्कोहल दिमाग खराब की शंकर। अब यार चलो हम लोग वो पार करके चलेंगे, चलो साफ सफाई तो काफी हो रखी है, एकदम साफ सुथरा बन गया है हमारा अयोध्या। और अभी जहाँ मैं ये लास्ट टाइम पे आया था जब दिवाली का टाइम, तो इसमें पानी था, अभी पानी नहीं है। पानी इसलिए नहीं, सब रीजंस की यहाँ ना कोई पहाड़ की पानी नहीं आती, कोई ग्लेशियर का पानी नहीं आता, नदी की पानी आती है तो साथ में बहुत सारा मिट्टी और गंदगी भी लेके आता है, तो मिट्टी यहाँ पे सारा भर जाता है और हमेशा पानी चालू रहेगा तो बहुत सारा मिट्टी बालू रेत यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए अभी पानी बंद है। हमने भी नहाया इसमें नहान में आके, तो अभी यहाँ पे देखो पूरा खाली खाली है और शॉर्टकट मारे थोड़ा सा। चलो ऐसा बड़ी तगड़ी भीड़ लगी है, एक बार दिखाता हूँ आपको, बड़ा तगड़ा लंबा लाइन लगा है, कितना टाइम लग जाएगा जल चढ़ाने कुछ पता नहीं, दिखाता हूँ देखो देखो कितनी लंबी लाइन लगी यार बड़ी, और इसके अंदर जाना पड़ेगा वहाँ पे अंदर। भैया जलवल चढ़ा लिया और गला पूरा बैठ गया है, जयकारा लगा लगा के बहुत मजा आया अंदर और बिल्कुल आराम से चढ़ा है। भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, करीब एक राउंड में करीब 200-300 जन को भेजते थे अंदर, बड़ी तगड़ी लाइन लगी थी यार, लेकिन अच्छा लगा जल चढ़ाया, पूरा भोलेनाथ के सर पर एकदम जल चढ़ाए, ऐसा नहीं कि कहीं भी फेंक के चले आए। और विवेक और मोनू पीछे मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं जहाँ से चल लिया था वहाँ पर आ गया, तो भी वो लोग आते हैं बात हुई फ़ोन पर और फिर निकलते हैं घर पे। बाकी ऐसे निकालते हैं आवाज, जहर होने वाला शाम को तो भी दिखाएंगे, बने रहो। हमारे भाई तीनों जन की तरफ से आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं,
भगवान आपके प्रश्न में बहुत बहुत अच्छा लगा। अभी निकलते हैं घर क्योंकि भूख अभी भाई बड़ी तेज लग रही है, तो अभी घर पे निकलते हैं फिर दिखाते। देखो ये हमारी अयोध्या धाम, अयोध्या नगरी बाकी तो बढ़िया है। पहले हम लोग कटरा में रुके हैं एक चाय ब्रेक, क्योंकि चाय पीने की तलब सबको लग गई है भाई। भैया अच्छे से जल उल चढ़ा के अभी निकल रहे हैं, और हर हर महादेव, जय हो अयोध्या धाम की, जय जय श्री मैया की। तो अगर आपने भी कल जल चढ़ाया तो कमेंट में हमें करके बताइए कि हाँ आपने भी कल पूजा किया, ठीक है। वीडियो तो कल ही आएगा तो आप भी बताना कि हाँ हमने भी शिवरात्रि मनाई, क्योंकि चाय पीने के लिए यही रुके। यहाँ पर बहुत अच्छा चाय मिलता है, समोसा भी मिलता है, हर कुछ मिलता है, मिठाई वही सब सारे कुछ मिलता है, बड़े टेस्टी होता है। तो अपन यहीं पर रुकेंगे चाय शाय पी के फिर निकलेंगे घर पे। अभी कुल्लड़ वाली चाय मस्त, कुल्लड़ का स्वाद है कुछ और रहता है यार, मस्त लगता है ना। चलो मिलते हैं घर पे। भैया अभी का सीन ये है कि हम आए अयोध्या से 12 बजे के आसपास, आया खा पी के नाश्ता वास्ता वहीं पे करें चाय साय पी के, और अभी का सीन अभी बज रहा है 5, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, आया जब रास्ते में था तभी बारिश हो रही थी और अभी भी बारिश लिटरली हो ही जा रही है, लग रहा है शिवरात्रि शिवरात्रि ही रह जाएगा। तो अभी मार्केट में चल के दिखाते हैं, अभी मुझे जाना है जिम क्योंकि 5 बज रहा है, तो अभी जिम जाऊँगा, जिम से होके आऊँगा फिर मैं मार्केट जाके जो भी है दिखाऊँगा आपको, क्योंकि सब अभी खस्ता हो गया क्योंकि बारिश हो गई ना, तो सब पूरा एकदम हर चीज़ गीला हो गया भाई, सड़कें तो गीली पड़ी हैं, लेकिन थोड़ा सा खस्ता हो गया सीन अभी। बट खैर जो भी है दिखाऊँगा, अब कह दिया हूँ तो दिखाऊँगा, जैसा भी करिए दिखाऊँगा। तो अभी जाऊँगा जिम फटाक से करके आता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक बने रहो, ठीक है। चलो सो भैया बारिश होना स्टार्ट हो गया, अभी जिम करके आए हैं और बड़ी तगड़ी बारिश हो रही है। अभी का सीन यही है कि अब पता नहीं डीजे शीजे बजेगा कि नहीं, बट जब मैं जिम से आ रहा था तो उस टाइम बारात निकली थी, शिव बारात जो शादी होगी समारोह वाला जैसा मैंने बताया था। तो अभी तो बारिश हो रही है तो शायद डीजे वीजे सारा जो भी कुछ है म्यूजिक वो सारा बंद हो गया होगा क्योंकि बहुत जोर से बारिश हो रही है। तो अभी हम डिनर की तैयारी करते हैं, तब तक देखते हैं, आई होप कि बारिश बंद हो जाए फिर चलेंगे मार्केट और आपको दिखाएंगे, ठीक है। तब तक बने रहो, बाकी सब बढ़िया है, ठीक। तो जैसा आप लोगों ने देखा होगा टोटल 4 जन की शादी हुई, 4 लड़कों की और 4 लड़कियों की, यानी कि 4 जोड़ों की शादी हुई। और समारोह में ये रहता है कि किसी को कोई पैसे नहीं देने रहते, किसी को कोई दहेज नहीं देना रहता है, ना लड़के वालों को ना लड़की वालों को, दोनों को कोई पैसे का लेन देन, बाकी का सारा सामान जो भी रहता है जो भी लड़की वाले देते हैं लड़के को या लड़की वाले के घर से जो भी लड़के वाले के घर जाता है तो वो सारा सामान रामलीला कमेटी वाले अरेंज कराते हैं, ठीक है। उसमें बहुत खर्चा होता है, बल्कि बाद ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पैसे देते हैं जैसे वगैरह जो भी गिफ्ट वगैरह पैसे वगैरह सब सारे देते हैं वहाँ पे, और सभी का नाम भी लिया जाता है जो जो पैसे देते हैं वहाँ पे। तो बहुत अच्छा ये सिस्टम बना के रखा सब लोगों ने। इस साल तो 4 जन का हुआ और लास्ट ईयर करीब 16-17 जन की शादी हुई थी, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा जो भी मैंने दिखाया, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए, जो हमारे नए हैं ठीक है, जो पुराने हैं उनको लाइक करना है और कमेंट करके बताना कि कैसा वीडियो लगा।
तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, बाकी सब बढ़िया, बाय बाय, टेक केयर, बाय, सब बखैर, गुड नाइट। और एक और नया व्लॉग जल्दी आएगा, ठीक है, तब तक बने रहो, बाकी सब बढ़िया, चलो बाय।